ही हो गया, अब इससे मैं 5.5 बार और शेविंग करूंगा। चली, और ये है तेरी मच्छर मारने की क्रीम। आप लोग बिजी तो नहीं है? नहीं बेटा, फैक्ट्री में थोड़ा। बेटा, तेरे पापा जी ना 2009 से खाली बैठे हैं। आप लोगों को घर इनवाइट करने आया था सैटरडे को, माया के पेरेंट्स घर आ रहे हैं। अबे लेकिन माया के मम्मी डैडी तो इंग्लैंड में थे ना डॉली, दिल्ली तो उनको बड़ी देसी लगेगी। नहीं, यू नो डॉली, ये रियल बसरा मोती है, हैदराबाद के निजाब थे ना, उनके डिजाइनर के बावर्ची के मालिश वाले का था। एक मिनट ठहरो डार्लिंग, मैं अपने नए छोटे फोन से आपकी उंगल की फोटो लेता हूँ। होल्ड ऑन, जस्ट मार्वेलस, मार्वेलस माय डार्लिंग, माय स्वीटहार्ट। मैं तुमको और कॉम्प्लीमेंट देती लेकिन मेरे को हिंदी बोलने में शर्म होती। कितना दिखावा करते हैं वो लोग, हमेशा ना अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करते। अब वो औरों से अलग हैं तो इसमें क्या गलत है? देख मोनू, हम ना उनके दिखावे, माया की गिटर पिटर अंग्रेजी और तेरे अजीब हंसी के बीच ना पिस जाएंगे। हम नहीं आ सकते बेटा। देख भाई मोनू, इस सैटरडे को तो बिजी है हम दोनों, फैक्ट्री में बहुत काम है यार। सिर्फ 1 घंटे के लिए आ जाइए प्लीज। मोनू प्लीज, मम्मी जी। अच्छा अच्छा ठीक है, 1 घंटे की बात है ना, आ जाएंगे। ये लेकर शुद्ध भारतीय चूर्ण अपने समधी जय जी के लिए। मार्वेलस। देखो ना, आप लोग उन्हें याद करके कितना हंस रहे हो, इतने बुरे भी नहीं हो सकते वो लोग। ये है फ्लावर्स, ओके दैट्स इट। अरे वाह माया, ये सब तैयारी तुम्हारे मम्मी पापा के आने की खुशी में? हाँ, मॉम डैड की पिछली विजिट से हमने दीवारों का पेंट भी चेंज नहीं किया, मैंने सोचा कि कुशन कवर्स और कर्टन्स बदल दूँ, कैसे लग रहे हैं? माया तुम जीनियस हो। और तुम, ये तुमने क्या पहना है सुमित? प्लीज गो एंड चेंज, मॉम डैड आते ही होंगे। क्यों, इसमें क्या खराबी है? जाओ जल्दी चेंज करो। स्नैक्स रेडी, चाय रेडी, सुमित गेटिंग रेडी, एवरीथिंग इज रेडी। मॉम डैड आ गए। मॉम डैड, इट्स जापानीज डार्लिंग, जापान में गुड डे को कोनिचीवा कहते हैं। How was Japan? Japan was absolutely wonderful. It was just marvelous. Oh! Is that curtain a Suresh Ahuja? Yes, mom. Horse cars village se liya hai. Beta, ghar bahut acha lag raha hai. Thank just you. Marvelous. Sab aapki beti ka kamaal hai. Konnichiwa. Hai ji. Mom, dad, Japan hoke aaye. Oh, wow. मैं भी कल वसंत विहार हो गया है। बाय द वे डार्लिंग, बच्चे कहाँ पर हैं? वापस फैक्ट्री भेज दिए, डिफेक्टेड माल था ना, मॉडल बदल के आ जाएगा। हेलो जी, हम मम्मी जी पापा जी, आइए आइए। सुमदीप जी, कोनिचीवा। अबे कौन सा चीवा, कैसा चीवा, कहाँ का चीवा? शेक्सपियर ओल्ड चैप, कैसे हो? हर्ष्ट एंड प्रुष्ट, बस थोड़े दिनों से हाजमा खराब चल रहा है, वो क्या बड़ी खट्टी खट्टी डकारे आ रही हैं। पर घबराओ नहीं, मैं आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। फॉर योर सेल्फ ओनली, शुद्ध देसी चूरण। ओके थैंक यू। आइए ना, बैठिए बैठिए प्लीज। आलिया बेटा,
ये आपके लिए। वाव। और ये अवी के लिए। थैंक यू नानू, जब अवी उठेगा उसको जरूर दिखाऊंगा। ओके बेटा, गॉड ब्लेस। तो मैं आपसे कह रहा था, टोक्यो की बात कुछ और है समधी जी। जहां देखिए वहां एक नया अजूबा। स्वीटहार्ट, याद है वो कान साफ करने वाला कैफे? क्या साफ करने वाला? डॉली जी, यू नो जापान में कान साफ करने वाले कैफेज होते हैं, जहां पर 100 येन में कान साफ करते करते ओह यूं मानो जैसे रूह ही साफ हो जाती है। समधी जी, अगली बार आओ ना, मैं आपको पहाड़गंज ले चलूंगा, वहां पर 100 रुपए में कान तो क्या अंतड़ियां भी साफ करवा दूंगा। अरे इस आर्ट के पीछे कमाल की साइंस है। जैसे एक बार वियतनाम में मैंने मसाज करवाया, सर से लेकर पांव तक पूरे बॉडी पर एक बिल्ली चली। 1 घंटे के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल नई हो गई हो। बिल्ली ने भी कान साफ कर दिए? सुमित, एक सेकंड मेरे साथ आओगे? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सुमित, मुझे पता है तुम्हें मेरे मॉम डैड बिल्कुल भी पसंद है, लेकिन एटलीस्ट उनके मुंह पे उनका मजाक मत उड़ाओ, पोलाइट होने की एक्टिंग ही कर लो। यार तुम गलत इल्जाम मत लगाओ, और इनफैक्ट तुम्हारी इस फिजूल बहस की वजह से मेरा उनके साथ बहुत कीमती टाइम बर्बाद हो रहा है। म्याऊ। जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। सास फॉर माय सास। नो थैंक यू, मैं सिर्फ ऑर्गेनिक टोमेटोज का ही केचप खाती हूँ। मैं माया से आज ही कह रहा था कि हम सब एक साथ कितना कम टाइम स्पेंड करते हैं, काश आप लोग कल नहीं जा रहे होते। दिस इज मार्वेलस, हम भी बिल्कुल यही सोच रहे थे, और इसीलिए हमने अपनी रिटर्न फ्लाइट अब परसों की कर दी है। तो क्यों ना कल शाम को एक साथ खाना खाएं? हाँ, क्या आइडिया है? Great. मेरी सहेली का रिया चौधरी, यू नो शी इज गॉट अ ग्रेट रेस्टोरेंट, जापानीज रेस्टोरेंट, वहां चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं, सबके लिए चेंज हो जाएगा। नहीं परफेक्ट। नहीं माया बेटा, इतना चेंज भी नहीं चाहिए। क्या है ना, रात को पानी की मोटर चलानी पड़ती है हमें। और ये रात को योगा करते हैं? योगा तो पार्ट ऑफ माय लाइफ है जी। ये देखो, ये देखिए, अभी घुटने तक पहुंच गए हाथ, अगले महीने नीचे तक पहुंच जाएंगे। पापा जी प्लीज चलते हैं ना, कितने दिन हो गए हम बाहर नहीं गए, मम्मी जी को भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। डॉली जी प्लीज प्लीज ना मत कहिए, हम सब बाहर एक साथ बड़ा परिवार, सुखी परिवार। चलो जी ठीक है, पंप का क्या है, एक दिन नहीं ना आएंगे। Marvelous, it's set that कल रात 8 बजे, और प्लीज सब इंस्पेक्टर वालिया को भी लाइएगा। और ये पानी भी जापानी? वेलकम मैम, वेलकम सर, डू यू हैव अ रिजर्वेशन? We here with the seats. Thank you. Hi, hi, mommy. क्या हुआ भाई, मुझसे बराबरी कर रहा? एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकते। ये जंगल नहीं रेस्टोरेंट है, और वो हेड वेटर है, और तू सब इंस्पेक्टर। मुबारक हो, तू जीत गया। पर ये बात उसे नहीं पता ना। वेलकम, कोनिचीवा इंस्पेक्टर वालिया। सब इंस्पेक्टर। पर इंस्पेक्टर बनने में देर नहीं है। तो जसबीर जी, आप कभी विदेश नहीं गए? हम दिल्ली के बाहर नहीं गए, विदेश क्यों जाए? नहीं नहीं, घूमने के लिए, यू नो, कुछ नया कल्चर सीखने के लिए, टू लर्न न्यू थिंग्स। हाँ कल्चर? ओ जी, अर्ली द मॉर्निंग में लोटा तो होता नहीं है हाथ में, आपको पता है कागज से पूछते हैं। सब ऑर्डर करने के लिए रेडी है। यस अरे छोटू, ए मैडम, ये छोटू को भेजना। सर,
Would you like to hear today's specials? उसको छोड़, वो ऐसा कर, प्याज ले आ पहले, मुक्का मार के। पापा जी, यहाँ पे प्याज नहीं मिलेंगे। क्या बात कर रहा है? प्याज नहीं है यहाँ पर। ऐसा कर, ये जापान से बाहर निकल, लेफ्ट में जाएगा ना, साथ में वो प्याज की दुकान है, तो वहाँ से आधा किलो प्याज उठा ला। अच्छा बेटा, एक काम कर, एक दो तीन चार, हाँ सात लस्सी लेके आ। मम्मी जी, यहाँ लस्सी नहीं मिलती। लस्सी भी नहीं है? अच्छा बेटा, तो ना तुम सात छास लेके आओ। नहीं नहीं, यहाँ शायद छास भी नहीं मिलेगी। बाय द वे, व्हाट्स टुनाइट्स शेफ स्पेशल? दैट विल बी ग्रिल्ड लॉबस्टर विद मिसो बटर सॉस। Oh, that's delicious. Yeah. We'll have one of those. Hum try kar chuke hain. Ji. It's marvelous. Starters mein aur kya? Chicken. Japanese style? Oh, ji. Chicken Japani ho ya Chini ho, kya farak padta hai? Chicken to chicken hota hai. Beta ghabra raha hai. Par isko nahi pata. Gas pass na ho, uske liye main churan pass mein rakhta hu. मैं जरा एक मिनट में आता हूँ। कोची नीवा बेटा। जी। Excuse me. Yes. Can I get the bill? समझी जी, मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि ये जापानी लोग नॉनवेज खाने को टू मच से ज्यादा पसंद करते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है। इनफैक्ट जहां तक मेरा ख्याल है, हमने भी ज्यादातर सारे ही जानवर खाए हैं। ओह यस, सांप, ऑक्टोपस, फ्रॉग लेग्स, डिलीशियस, मार्वेलस, मेंढक की तंगड़ी। जापानी लोगों का कोई धर्म कर्म नहीं होता क्या? मतलब बेजुबान जानवरों को खा जाते हैं? मम्मी जी, हम भी तो चिकन खाते हैं ना। अरे बेटा, ये चिकन तो सिर्फ नाम की चिड़िया है, ना बोल सकती है ना उड़ सकती है। इससे तो अच्छा है कि इसको खा जाओ। लो जी आ गया। समधी जी, यहाँ पर है ना, खाना इतना होता है और बिल इतना होता है, लेकिन आप जीतो उसके ढाबे में जाओगे ना, तो खाना इतना होगा और बिल इतना होगा। Well, just be your old chap. आज आप लोग मेरे मेहमान हैं, तो बिल की फिक्र ना करें, just enjoy yourself. ठीक है जी, बिल आपका, पैसे आपके, हमको क्या लेना। बेटा एक काम करो, ये सब है ना, ये छोटे छोटे, ये सब पैक कर दो। हाँ जी, आपके लिए पैसे वसूल हो जाएंगे ना। अरे वाह, यहाँ तो जोक्स की बरसात होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। सीरियसली, अगर बड़ा डब्बा है ना, तो इनको भी पैक कर दें। वो मम्मी जी, पापा जी को वेस्टेज बिल्कुल पसंद नहीं है। सब्जी जी, ये घर का राजमा चावल छोड़कर आप महंगे नूडल छूडल खाते हैं, ये बात मेरे को समझ नहीं आ रही है। कोई बात नहीं जसबीर जी, अब क्या है कि हर इंसान को हर बात समझ में नहीं आ सकती ना। yes. So, drop it. क्या मतलब? जोक है पापा जी, जोक। नहीं नहीं, जोक है, मेरे को पता है, पर जोक का कोई मतलब भी तो होगा। जसबीर जी, छोड़ दीजिए, जो बात समझ में नहीं आती ना, उसे छोड़ देना चाहिए। अब क्या छोड़ना है, सब कुछ तो पैक करने के लिए बोल दिया। बोलू, ये कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं पापा जी, आप बात को खामखाई सीरियस बना रहे हो। अबे तू इनकी साइड है कि मेरी साइड? कैसी साइड, हम यहाँ पे कबड्डी थोड़ी ना खेल रहे हैं। इट्स ऑल राइट बेटा, शायद यहाँ पर आना इतना अच्छा आइडिया नहीं था। शायद आपको अभी भी डाउट है। सुमित, सुमित, रिलैक्स। कैसे? अपने बंधन पर बिल्ली चलवाओगे आप? एक ये है जो आज तक दिल्ली से कभी बाहर नहीं गए, और एक तुम्हारे पेरेंट्स है जो सात समंदर पार जाते हैं कान साफ करवाने के लिए। इनको एक टेबल पे क्या, इनको तो एक साथ एक देश में नहीं होना चाहिए। हेलो, यू हैव रीच द वॉइस मेल ऑफ द सेट्स। हम इस टाइम पे आपसे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम वियतनाम में हैं, जहां एक लोमड़ी हमारे नाखून काट रही है।
Isn't that marvelous? मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे बारे में ऐसा सोचते हो. मैंने कुछ मिस किया क्या? मोनू कुछ कुछ नहीं. भैया क्या कर रहा है? वो मैंने आप लोगों की साइड ले ली ना, तो माया ने घर से बाहर निकाल दिया. वैसे खाने में क्या है? अरे परसों की तोरी. बिल्कुल ठीक किया माया ने. बदतमीज नालायक. नो मैनर्स. या पता नहीं फिर उनसे मिल पाएंगे कि नहीं. तेरी बदतमीजी की वजह से ना हमारा सर शर्म से झुक गया आज. आप लोगों को मेरी वजह से शर्म आई? मोनू जो रोटी खिलाता है ना वो भगवान होता है. तूने आज भगवान की बेइज्जती की है, वो भी जापानी. पर आप तो उन लोगों को पसंद भी नहीं करते. और मैंने जो कुछ भी बोला वो आपके लिए था और वो सब सच था. मोनू बचपन से तुझे यही संस्कार दिए क्या हमने? मोनू दुनिया के ऑल द प्राणी लोग अगर अपने परिवार के सदस्यों से सच बोलने लगे तो पता है क्या होगा? सर्वनाश. इसलिए मुंह खोलने से पहले सोच लिया कर. गधा कहेंगे. गधा ही हूं मैं, ना घर का ना घाट का. यहां पे भी खाना नहीं मिलने वाला. अरे तुम सोई नहीं तो नीचे आ जाती. वहां सब एक एक करके मुझे चांटा मार रहे थे, तुम ज्वाइन करती तो कितना मजा आता. तुम्हें पता है तुम्हारे मम्मी जी पापा जी की कितनी बुरी आदतें हैं? चलो साथ मिलकर लिस्ट बनाते हैं. और अगर मैं अब नीचे जाऊं और उनके मुंह पे बोल दूं तो? एक सेकंड, मुझे कैमरा तो ऑन करने दो. दक्यानुसी चीप झगड़ालू कहीं भी कैसे भी बोल देते हैं. अब मम्मी जी की लिस्ट बनाते हैं. पर मैं ये उन्हें नहीं बोलूंगी. पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं कि दोनों परिवार जुड़े रहें. ये मेरे लिए बहुत जरूरी है सुमित. जानता हूं. I'm sorry, माया. मुझे बहुत बुरा लग रहा है. किस बात का? कि हमारे माँ बाप हैं. नहीं, I'm sorry, माया. मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारे मम्मी डैडी का प्लान पूरी तरह से बर्बाद कर दिया. और कल तुम? कल मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा. सुमित सॉरी स्पेशल. मेरे मॉम डैड को फोन करके माफी मांगो. मेरे मॉम डैड को फोन करके माफी मांगो. ऑफ कोर्स बेबी, जब तुम मुझे माफ करती हो तुम कितनी क्यूट लगती हो. वैसे इस बार गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी. मेरे मॉम डैड हैं ही थोड़े अजीब. बहुत अजीब. आई एम सॉरी. ना पुष्पा ना. अजीबनेस के कंपटीशन में जीत हमेशा वालिया परिवार की होगी. जापानी खाने के साथ पंजाबी लस्सी. मुझे तो डर लग रहा है कि मैंने उनकी तरफदारी की. क्यों? क्योंकि मैं भी उनकी तरह बनता जा रहा हूं. और मैं अपने मॉम डैड की तरह. सुमित
हम अपने माँ बाप की तरह बन रहे हैं। ना पुष्पा ना, इसमें भी एक छोटा सा फर्क है रे। उस परिवार में मेरी कोई चॉइस नहीं थी, पर इस परिवार को मैंने चूज किया है। मैंने भी। अब ये सब भूल जाओ, मैं तुम्हें एक अच्छी सी मसाज देता हूँ। मैं जानती हूँ तुम कब से बिल्ली बनने के लिए तड़प रहे हो।